पीलीभीत से हैं, जहां गजरोला क्षेत्र के शिवनगर गांव के आधा दर्जन छात्र आदर्श किसान इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के अंग्रेजी की परीक्षा देकर अपनी बाइकों से घर वापस लौट रहे थे, तो गजरोला के बाहर जंगल के पास लोहिया पुल पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार छात्रों को रोका तो बाइक सवारों ने बाइक रोक ली। पुलिस ने पूछा कि कहां से आ रहे हो, तो पूछने पर डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसमें दो छात्रों की गाड़ी वापस लौटाने लगी तो पुलिस ने पीछा कर उन छात्रों को गलियों में घुसकर मारपीट करी और लोहिया पुल के पास ले गए, तो वहीं सभी छात्रों को मुर्गा बनाया और फिर सभी के ऊपर डंडे मारे गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने प्रवेश पत्र पूछे, जिसके बाद डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियां दी। मैं बता दे, कहा गया कि तुम्हें जेल में बंद कर तुम्हारा कैरियर तबाह कर देंगे। सभी पीड़ित छात्र के परिजन शिकायत लेकर गजरोला थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़ित सभी छात्र थाने के पास हाईवे पर हंगामा करने लगे, तो वहीं पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी गांव शिवनगर के निवासी और सभी पेपर देकर वापस लौट रहे थे, तो वहीं पीड़ित छात्र अमन सिंह, प्रिंस अमित सिंह, प्रांचाल, नितेश, मोनू, सनी सिंह, संजय, ब्रजेश पाल, अर्जुन, वीरेंद्र, सत्यम, अमन समेत कई छात्र मौजूद थे। शिवम ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई तो अमन के पिता सत्येंद्र पाल, बड़खेड़ा विधायक बाबा प्रवक्ता नंद को फोन से शिकायत भी की। हम लोग परीक्षा देके जा रहे थे तो उन्होंने बीच में गाड़ी रोक कर हमें मुर्गा बना के मारा। किसने मारा? अरुण कुमार सिंह। कौन है वो? वो शायद आईएसआई है। पुलिस वाले? पुलिस। कहाँ पर मारा था? लोहिया पुल पे, गजरोला के आगे। क्यों, किस बात को लेकर? बात हमें पता ही नहीं। हमारा लड़का आदर्श इंटर कॉलेज से पेपर दे के आ रहा था, स्कूल के पास पुलिस वाले मारते तब कोई दिक्कत नहीं थी, फिर जंगल में पटक पटक के मुर्गा कर वीडियो बनाकर इसे मारा, किस बात पे मारा ये हम पूछना चाहते हैं, और इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक।